क्षेत्रों के साताखेड़ी सुर्खी का, जहां सरकारी उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा बताया गया कि मैं गांव दलावदा की उचित मूल्य की दुकान पर एक सेल्समैन का कार्य करता हूं। पत्रकार पप्पूलाल बसेर मेरी दुकान पर आए और 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी, तो मैंने उनको मना कर दिया और कहा कि सभी काम ऑनलाइन है, मैं आपको किस बात के पैसे दूं। मेरे मना करने के बाद मेरी सास की दुकान पर अभद्रता करने लगे और मेरे साथ मारपीट की। वहाँ के कुछ हितग्राही ने मेरी मदद की। उसके बाद मैं सीतामऊ क्षेत्र के चौकी प्रभारी को इस मामले को लेकर अवगत कराया और नवादे चौकी प्रभारी पप्पूलाल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा को लेकर धारा 353 प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। इधर पत्रकार पप्पूलाल बसेर द्वारा बताया गया कि मैं वहां उचित मूल्य की दुकान पर अवैध तरीके से राशन वितरण कर रहे सेल्समैन का फोटो और वीडियो ले रहा था कि अचानक मेरे साथ मारपीट करने लगा, तो मैंने तत्काल 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे 100 डायल कर चौकी से सीतामऊ मेडिकल करवाकर सेल्समैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और मामला जांच में लिया। जी, क्या नाम है आपका? परशुराम कुशवाहा। परशुराम जी कुशवाहा, कहाँ रहते हो? दलावदा शासकीय सोसाइटी में। क्या मामला था और किसके साथ मारपीट हुई आप थाना में, क्या कारण था? मारपीट कुछ भी नहीं हुई, पप्पूलाल बसेर नाम का व्यक्ति है दलावदा का ही, वो आके बोला कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे 5,000 रुपये चाहिए और गेहूँ भी चाहिए, और वहाँ पे आके फ़ोटो खींचने लग गया उपभोक्ता के। तो मैंने बोला उससे कि फ़ोटो मत खींचो, हाँ उपभोक्ताओं को राशन दे रहा हूँ। तो वो बोले कि नहीं, पहले मैं उसको पैसे दीजिए रिश्वत के, मैं पत्रकार हूँ। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया, उपभोक्ता परेशान होते रहे। तो वो बोला कि नहीं, पहले पैसा चाहिए मेरे को, मैं राष्ट्रीय पत्रकारिता का हूँ, नहीं लेने लग गया वो फ़ोटो। तो मैंने कहा नहीं, फ़ोटो क्यों ले रहे हो? ये उपभोक्ता ही बोलने लग गए कि क्यों फ़ोटो क्यों ले रहे हो, हम तो हमारे कूपन के ले जा रहे हैं राशन, तो तू क्यों बीच में पत्रकार बोलता है, तो मतलब जो ब्लैकमेल कर रहा है वो उनकी बात कर। तो उसने मेरे से छीना छपटी की, मेरी पीओएस मशीन नीचे गिर गई, पीओएस मशीन भी तोड़ गई, अंदर गया तो फोटो खींचने लग गया, तो वहाँ पर मना किया, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कार्टेक पड़ा था, वो भी टूट गया। और फिर लोगों ने ये कहा कि क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने पत्थर लेके मेरे पास मेरे ऊपर लेके दौड़ा। फिर क्या कर रहा आपने उसके बाद में? फिर मैंने उपभोक्ता ने उसको समझाया, तो एक चाय वाला आया साथ में, अपने एक विनोद उपभोक्ता वो भी आया, तो उन दोनों का बीच बचाव किया, छीना झपटी की उसने। तो बाद में वो बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं। पप्पू बसेर का ये कहना है कि आप ब्लैक में राशन बेच रहे थे, क्या है मामला? तो ब्लैक में राशन ऐसा कुछ नहीं है, कूपन जो पीओएस मशीन से वितरण होता है आजकल, और थंब से होता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। कूपन लाए, थंब लगाया, राशन ले जाओ, ब्लैक में कैसे हो गया वो? नहीं, आप साबित कर सकते हो? हाँ, हम साबित कर सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? परशुराम। कौन से गाँव बताया? दलावदा। मांगे थे सबूत? मांगे थे वो, वहाँ पे उपभोक्ता थे। सबूत आपके पास क्या कुछ थे? वहाँ पे उपभोक्ता थे, वो बोल देंगे। मैंने गया था तो वहाँ के अवैध कट्टे भर भर के जा रहे थे, इसका मैंने फ़ोटो लिया, तो सेल्समैन ने देखा कि ये फ़ोटो लेगा, ये कर रहा, तो उसने खुद ही मेरे को मारने लगा, वो देने लगा लातों घूसों से, और मेरे सिर में सब में चोटें पहुँचाई उन्हें। देखो ऐसा है कि सेल्समैन जबरन आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता है, आपने उनके साथ में कुछ भी हरकतें करी होगी? मैंने कुछ भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ आइडियो वीडियो बनाया और फोटो लिया। किस बात का आइडियो वीडियो बनाया आपने? वो वहाँ पर गांव के व्यापारी कट्टे भर भर के गेहूँ ले जा रहे थे, तो इसका वीडियो बनाया मैंने। सोसाइटी में तो घर पर ले जाएंगे ना माल, वहाँ से नहीं, व्यापारी ले जा रहे थे। व्यापारी ले जा रहे थे जी। किस बेस पे ले जा रहे थे? वो ये बता रहा है कि व्यापारी ले जा रहे थे माल, तो इसका रिकॉर्ड उनके रजिस्टर में है, तो बिना मैंने देखा वहाँ कट्टे भर भर के ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, तो इसका मैंने वीडियो बनाया, आइडियो बनाया, वो मारपीट करने लगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप सेल्समैन के ऊपर पत्थर लेके मारने गए थे। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या नाम है सेल्समैन का? सेल्समैन का नाम है परशुराम कुशवाहा। आप पत्रकार को इसका क्या प्रूफ है आपको? मेरे पास है आईडी है, मेरे पास है वो अथॉरिटी लेटर है, सब कुछ है मेरे पास। कितने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं आप? 14 से कर रहा हूँ मैं। 14 से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका पीआरओ में नाम है? बिल्कुल है, वो ओकार सिंह जी का है, वहाँ पर उनके कार्ड में काम कर रहा था मैं, उनके साथ में, ओकार सिंह जी। क्या चाहते हो आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ।
किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं वो सेल्समैन के खिलाफ ने जिन्हें भी मेरे साथ वारदात की उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। लोगों ने सर आपके साथ वारदात की है? वो नाम मैं भूल गया। आप गांव के निवासी है, उसके बाद आप नाम भूल गए हो, क्या मामला? अब नाम तो बराबर याद नहीं आता है। एक तो है विनोद राठौड़ है और एक है क्या नाम है ये। देखो ऐसी जानकारी भी मिली है कि आपसे पूरे गांव के लोग खिलाफ है। तो मैं हरिजन हूँ, मैं SC ST का हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास सभी लोगों ने मेरे सोचेगा कि गरीब है। सर गांव दलावदा में पप्पू बसेर और प्रसाद साहब के साथ में झगड़ा हुआ है, क्या कारण था, किस कारण झगड़ा हुआ, क्या क्या धारा लगी दोनों के खिलाफ, क्या करें? मेरे पास अभी आया है था, कल प्रकरण आया था, पप्पू लाल पिता पूरलाल सूर्यवंशी और परसराम कुशवाहा पिता नंदलाल कुशवाहा, इनमें विवाद हुआ है शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कुछ सामग्री लेने और सामग्री लेने पर विवाद हुआ। तो जब विवाद की परिस्थिति हुई तो हमारे पास प्रकरण आया, तो इसमें दोनों पक्षों की कायमी कर विवेचना में लिया गया है। मैं आपको बता दूंगा कि जो पप्पू लाल सूर्यवंशी है उसकी तरफ से हमने 294/323 भादवी और SC ST के अंतर्गत 3(1)(2)(3)(2)(VA) SC ST के तहत कार्रवाई की है। और जो परशुराम कुशवाहा है जो उच्च शासकीय उचित मूल्य का उसका जो है सेल्समैन है उसके आधार पर हमने कायमी की है 294/323/452/353/327/427 भादवी की। अभी प्रकट जो है विवेचना में और जो सब वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए।